आज हमारे गांव में बहुत खुशी का माहौल है। आज हमारे गांव में शादी है। बताया संदी जी, आज से हम दोनों समधी बन गए। वो सब तो ठीक है, पर उन 5 लाख रुपयों क्या हुआ जो तुमने इंतजाम करा कि? वो पैसों का तो इंतजाम नहीं हो पाया, पर आप ये शादी मत रोकिए, मेरी इज्जत का सवाल है। नहीं नहीं, पैसों दे देंगे, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। ये शादी मत रोकिए, मैं आपके पेड़ का मेरी कुछ दिनों का समय दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिनों का समय देता हूँ, पैसों का इंतजाम हो जाना चाहिए। अगली का सवाल है, दुल्हन की विदाई होती है। कमरे में लेके चली जाए। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, आपको आपके घर में कभी याद नहीं आने देंगे। 15 दिन बाद हेलो माँ, कैसी हो आप? बेटा माँ, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है माँ। वो पैसों का इंतजाम हो गया क्या? बेटा, तुम्हारे पापा पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए। तुम तो जानती ही हो ना कि तुम्हारी शादी में बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, अब 1 रुपया भी नहीं बचा है। मेरे सारे गहने भी माँ, आप रोइए मत, अपना ख्याल रखना, अब मैं फोन रखती हूँ। तेरी मनहूस पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? पैसे लेकर तो आ रहा है ना तेरा बाप? माँ जी, वो पैसों का इंतजाम तो नहीं हो पाया। बेटा, इसका बाप तो पैसा नहीं देगा, ये हमारे कुछ काम की नहीं है, इसे रास्ते से हटाना होगा। अब एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। इसका बाप एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है, इन्हें तो भीख मांगनी चाहिए। नहीं माँ जी, आप ऐसा नहीं बोल सकते। मार डालना। नहीं माँ जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। भाभी, ओ भाभी, भाभी मार डालना आप दोनों ने मिलकर मेरी भाभी को, मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगी। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ बोलो। मेरे भाई और मेरी माँ ने मिलकर मेरी भाभी को मार डाला है, आप जल्दी से आ जाइए इंदिरा नगर से। हाँ ठीक है, पुलिस आ जाती है। हाँ कहाँ है अपना? ये रही। किसने मारा? मेरे भाई और मेरी भाभी। लेकिन क्यों मारा? दहेज के कारण। आपको बहुत दहेज चाहिए था ना? चलो जेल में मिलेगा मुफ्त का दहेज, चक्की पीछना। ले चलो इन्हें। चल, पैसों के लिए जला दिए अरमानों को, ये लड़ाई है हम सब की, मारो इन दहेज के दीवानों को। Thank you.